आप अगर शटरस्टॉक पे कंप्यूटर अकाउंट ओपनिंग क्या है, आप अगर शटरस्टॉक पे फोटो अपलोड नहीं कर पा रहे हो या फिर अपना फोटो अपलोड नहीं हो रहा है तो किस तरीके से आप फोटो को अपलोड करेंगे ताकि अपना फोटो अपलोड होने के साथ साथ आपका फोटो अप्रूव भी हो जाए, क्या है तरीका अपलोड करने की, इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आपका फोटो अगर अप्रूव नहीं हो रहा है या फिर शटरस्टॉक पे अगर आप फोटो को अपलोड ही नहीं कर पा रहे हो तो इस वीडियो का लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में सारा डिटेल्स बात करने वाले हैं किस तरीके से आप फोटो को अपलोड करेंगे और अपना फोटो अप्रूव क्यों नहीं हो रहा है, क्या रीजन है, इस वीडियो में बात करेंगे। तो जो लोग जानते नहीं है शटरस्टॉक के बारे में उन लोगों को मैं बता दूं, आप अगर दोस्तों शटरस्टॉक पे अकाउंट क्रिएट करते हो तो शटरस्टॉक पे आप फोटो को अपलोड करके शटरस्टॉक से पैसा कमा सकते हो। बस आपको शटरस्टॉक पे रेगुलर आपको फोटो को अपलोड करनी है और जो भी फोटो डाउनलोड होगा उससे आप पैसा कमा सकते हो शटरस्टॉक वेबसाइट से या फिर इस प्लेटफॉर्म से। तो जो लोग शटरस्टॉक पे अकाउंट ओपनिंग क्या है, अगर आप शटरस्टॉक पे फोटो अपलोड ही नहीं कर पा रहे हो या फिर फोटो अप्रूव नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि दोस्तों जब भी आप फोटो अप्रूव कर पाओगे तभी अपना फोटो जो कि सेल होगा, अगर आप अप्रूव ही नहीं कर पा रहे हो तो आप शटरस्टॉक पे पैसा भी नहीं कमा पाओगे। तो किस तरीके से फोटो को अपलोड करना है, क्या तरीका है फोटो अपलोड करने की, सही तरीका क्या है, इस वीडियो में बात करने वाला। तो जैसे कि दोस्तों मैं ज्यादातर फोन से ही फोटो को अपलोड करता हूं तो आप भी साथ फोन से ही फोटो को अपलोड करते होंगे, तो इस वीडियो में मोबाइल से किस तरीके से फोटो को अपलोड करेंगे सारा प्रोसेस दिखाने वाला है। तो इसके लिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे सारा प्रोसेस देखते हैं। अब अगर शटरस्टॉक पे कंप्यूटर अकाउंट ओपनिंग क्या है, ओपनिंग करने के बाद बारी आती है रेगुलर फोटो को अपलोड करने की। तो आप अगर फोटो को क्लिक क्या है, सबसे पहले तो आपको फोटो को क्लिक करना है जिस फोटो अपलोड करना चाहते हो, जो भी फोटो अपलोड करना चाहते हो। तो एग्जांपल पे मेरा गैलरी पे यहाँ पे देख लेते हैं, ये फोटो मैंने क्लिक किया है, राइट, इस फोटो को मैं अपलोड करना चाहती हूँ। तो अपलोड करने के लिए आप दो तरीके से आप अपलोड कर सकते हो, एक तो है ऐप, एक कंप्यूटर ऐप देखने को मिल जाएगा शटरस्टॉक का, दूसरा है आपको क्रोम ब्राउज़र पे जाना है, क्रोम ब्राउज़र से भी आप शटरस्टॉक वेबसाइट ओपन करके आप क्रोम ब्राउज़र से भी आप फोटो को अपलोड कर सकेंगे। तो बेस्ट तरीका क्या है फोटो अपलोड करने की, तो सबसे पहले दोस्तों अपना फोटो आप अगर अपलोड करते हो शटरस्टॉक कंप्यूटर ऐप से, तो जो भी फोटो आप अपलोड करते हो अगर आप शटरस्टॉक ऐप डाउनलोड किया है तो यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे ऑप्शन पे क्लिक करके गैलरी चूज कर लेंगे और यहाँ पे अपना फोटो आ जाएगा। तो अगर आप ऐप से फोटो अपलोड कर रहे हो अपना फोटो अपलोड नहीं हो पा रहा है, तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पे मैं ये फोटो अपलोड कर लूंगा तो यहाँ पे देख सकते हो ये फोटो अपलोड ही नहीं हो रहा है। ये क्यों नहीं हो रहा है दोस्तों, अपना फोटो का एमबी कम है, आपको अपना फोटो का एमबी बढ़ाना है तभी आपका फोटो जो कि अपलोड होगा, मिनिमम 4 MB से ज्यादा होना चाहिए आपका फोटो। तो आपका फोटो अगर अपलोड ही नहीं हो रहा है, चाहे ऐप से अपलोड कर रहे हो या फिर चाहे शटरस्टॉक कंप्यूटर वेबसाइट से अपलोड कर रहे हो, तो आपको अपना फोटो का एमबी बढ़ाना है। तो आप फोटो का एमबी बढ़ाएंगे किस तरीके से, तो यहाँ पे हम बैक कर लेंगे। बैक करने के बाद दोस्तों आपको एक ऐप डाउनलोड करनी होगी फोटो एडिटिंग करने के लिए या फोटो का एमबी बढ़ाने के लिए, वो है पिक्सल लैब। इस ऐप को आपको डाउनलोड कर लेने हैं प्ले स्टोर से। तो यहाँ पे मेरा ऑलरेडी पिक्सल लैब से देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी पिक्सल लैब से फोटो को बढ़ाया हूँ एमबी। तो हम वो फोटो सबसे पहले तो यहाँ पे चूज कर लेते हैं, राइट, वो फोटो हम यहाँ पे चूज कर लेंगे जिस फोटो को मैंने एमबी बढ़ाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे वो फोटो आ चुका है, अब यहाँ पे अपना फोटो का साइज सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं साइज सिलेक्ट कर लेंगे, टिक मार्क वाला ऑप्शन पे क्लिक करके ये फोटो यहाँ पे आ चुका है, राइट। तो यहाँ पे आ चुका है, इसको हम कर लेते हैं सेव। तो यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, ये फोटो जो कि हो जाएगा सेव। उसके बाद हम यहाँ पे कर लेते हैं बैक, एंड बैक करने के बाद ये फोटो जो कि आप अपलोड होगा। तो जैसे कि यहाँ पे मैं शटरस्टॉक कंप्यूटर ऐप को ओपन कर लूंगा, यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे ऑप्शन पे क्लिक करके हम गैलरी पे आ जाते हैं। यहाँ पे दो फोटो आ चुका है, जो एमबी बढ़ाया है मैं, वो फोटो हम चूज कर लेंगे एंड यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो वो फोटो अपलोड हो चुका है, क्योंकि ये फोटो अपलोड हुआ तो सही है। इस तरीके से अगर आप अपलोड नहीं कर पा रहे हो तो फोटो को एमबी बढ़ा के आप अपलोड कर सकते हो। तो अगर आप फोटो अपलोड नहीं कर पा रहे हो अपना फोटो का एमबी चेक करो, एमबी चेक करके अगर एमबी कम है तो उस फोटो का सबसे पहले तो एमबी बढ़ाओ ताकि अपना फोटो अपलोड होगा। तो जैसे कि मैंने वो फोटो एमबी बढ़ा के अपलोड किया तो वो फोटो अपलोड हो गया। अब बारी है, अगर आप फोटो अपलोड तो कर दे रहे हो लेकिन अपना फोटो अप्रूव भी नहीं हो रहा है, वो किस वजह से नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों आपका फोटो अगर देखोगे जो फोटो अपलोड किया है
उस फोटो पे बहुत सारा नॉइस एंड ओवर एक्सपोज देखने को मिल जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे फोटो को जूम कर लेते हैं, ये फोटो देख सकते हो शार्पनेस उतना नहीं है, थोड़ी बहुत नॉइस है, तो उस नॉइस को आपको रिड्यूस करना है एंड ओवर एक्सपोज को आपको कम करना है। मैं यूज करता हूँ अडोबी फोटोशॉप, ये ऐप भी आपको प्ले स्टोर से अवेलेबल मिल जाएगा, प्ले स्टोर से आपको डाउनलोड कर लेनी है। तो हम इसको कलर ग्रेडिंग करने के लिए, नॉइस को रिड्यूस करने के लिए हम फोटोशॉप ऐप को ओपन कर लेंगे, तो वो फोटो हम चूज कर लेंगे। तो ये फोटो था, इस फोटो को हम चूज कर लेते, ये फोटो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फोटो यहाँ पे आ चुका है। आप दोस्तों नीचे पे बहुत सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले आपको कलर चूज करनी है, किस टाइप की कलर रखना चाहते हो। अगर आप ओवर एक्सपोज को कम करना चाहते हो तो ओवर एक्सपोज को कम कर सकते हो। तो जैसे कि मैं इस तरीके से रख लेता हूँ और यहाँ पे एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, और एडजस्टमेंट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आपको यहाँ पे नीचे पे बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे कि टेक्सचर, क्लियरिटी, सरफेन, नॉइस रिड्यूस, रिड्यूस कलर नॉइस। तो यहाँ पे सब आपको थोड़ा थोड़ा करके आपको अप्लाई कर लेनी है। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर लेते हैं, इस तरीके से हम अप्लाई कर लेंगे अपना फोटो पे, ताकि अपना फोटो नॉइस क्लियर हो और यहाँ पे शार्पनेस दिखे अपना फोटो। तो यहाँ पे हो चुका है, इसको कर लेते हैं सेव। यहाँ पे एरो डाउन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे ये फोटो हो जाएगा सेव। तो ये फोटो तो कलर ग्रेडिंग करके, नॉइस को रिड्यूस करके परफेक्ट हो चुका है। अब बारी है इसको अपलोड करने की। तो मैं सजेस्ट करूंगा आप फोटो को कहीं से भी अपलोड करो, शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर ऐप से हो या फिर शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर वेबसाइट से हो, कैसे भी अपलोड करो। लेकिन दोस्तों आपको फोटो को टैग्स एंड डिस्क्रिप्शन अच्छी तरीके से लगाना है क्रोम ब्राउज़र के शटरस्टॉक वेबसाइट से। वो क्यों, यहाँ पे रीजन पता चल जाएगा आपको, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो जैसे कि मैं यहाँ पे फोटो को अपलोड करना चाहता हूँ, वो फोटो, इस फोटो को सबसे पहले तो डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि ये फोटो अगर मैं डाल दूंगा टैक्स एंड डिस्क्रिप्शन डालने के बाद भी ये फोटो अप्रूव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इस फोटो का मैंने नॉइस को रिड्यूस नहीं किया है और यहाँ पे शार्पनेस इस फोटो का मैंने नहीं लाया है। तो यहाँ पे हम दूसरा फोटो चूज कर लेते हैं, जो फोटो मैंने यहाँ पे एडिट किया है थोड़ी बहुत, ये फोटो था, इस फोटो को हम कर लेते हैं अप्रूव। तो आप दोस्तों ऐप से अपलोड करो या फिर शटरस्टॉक वेबसाइट से अपलोड करो, क्योंकि अगर आप ऐप से अपलोड करते हो फोटो पे आपको रिलेटेड टाइटल डालने के ऑप्शन नहीं मिलेगा। जैसे कि फोटो अपलोड करने का इस तरीके से आपका फोटो पे टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन डालना है। तो जैसे कि जो फोटो आप टैग लगाओगे, ऐप से अपलोड करने का टैग लगाने के ऑप्शन आपको उतना अवेलेबल ऑप्शन नहीं मिलता है। जैसे कि यहाँ पे अपना फोटो का टाइटल लगा सकते हो, टैग लगाना है और यहाँ पे अपना फोटो का कैटेगरी सिलेक्ट करना है, बस यही ऑप्शन है अवेलेबल। लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा आप अगर फोटो को अपलोड कहीं से भी करो, ऐप से या फिर वेबसाइट से, लेकिन आप फोटो को जब रिव्यू में भेजने के लिए डिस्क्रिप्शन एंड टाइटल टैग लगा के भेज दो, तब आप ये प्रोसेस क्रोम ब्राउज़र से आप करो, क्योंकि क्रोम ब्राउज़र से आपको बेटर ऑप्शन मिलता है। तो जैसे कि यहाँ पे हम क्रोम ब्राउज़र कर लेते हैं ओपन। अगर आप शटरस्टॉक अकाउंट ओपनिंग क्या है, क्रोम ब्राउज़र ओपन करके सर्च करो शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर, आपको वेबसाइट देखने को मिल जाएगा। उस वेबसाइट पे क्लिक करके सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डेस्कटॉप मोड को ऑन कर लेना है। ये नीचे रहा डेस्कटॉप मोड, इसको ऑन कर लेंगे तो इस तरीके से आपको व्यू देखने को मिल जाएगा शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर पे। तो आपको फोटो को चूज करके यहाँ पे अपना टाइटल एंड टैग लगाने के ऑप्शन आ जाएगा। तो टैग एंड टाइटल लगाने से पहले जिस टाइप की आप फोटो अपलोड किया है, उस टाइप की फोटो को रिलेटेड आपको टैग लगानी होगी, तभी अपना फोटो जो कि चांसेस हाई है वो फोटो सेल हो। तो अपना फोटो को रिलेटेड टैग लगाने के लिए पोर्टफोलियो का ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। देन जैसे आप पोर्टफोलियो वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है कीबोर्ड सजेस्टिंग। तो आप यहाँ पे कीबोर्ड सजेस्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। देन जैसे क्लिक कर देंगे, यहाँ पे आप अपना फोटो को रिलेटेड आप कीबोर्ड लेंगे। तो जैसे कि मेरा फोटो है हैंड की, तो हम यहाँ पे हैंड सिलेक्ट कर लेते हैं, सर्च कर लेंगे। तो जैसे यहाँ पे मैंने हैंड सर्च किया, यहाँ पे अपना फोटो के रिलेटेड बहुत सारा पिक्चर्स भी यहाँ पे आ चुका है। तो आपको अपना फोटो के रिलेटेड कीबोर्ड लेने के लिए जो भी आप फोटो अपलोड कर रहे हो या फिर अपलोड किया है, उस फोटो को डिस्क्रिप्शन लगाने के लिए अपना फोटो के रिलेटेड आपको फोटो चूज करनी होगी। जैसे कि ये रहा, ये फोटो चूज कर लेंगे और यहाँ पे फोटो चूज कर लेते हैं, ये रहा, इस फोटो को चूज कर लेते हैं और इस फोटो को चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे देखोगे ये कीबोर्ड सजेस्ट कर रहा है अपना फोटो के रिलेटेड, तो यहाँ पे फोटो चूज कर लेंगे, यहाँ पे कीबोर्ड आ जाएगा। इस कीबोर्ड को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा इस कीबोर्ड को। और भी अगर आप कीबोर्ड लगाना चाहते हो यानी कि लेना चाहते हो, तो वो कीबोर्ड आप
ले सकते हो। मैक्सिमम आप यहाँ पे 15 कीबोर्ड यूज कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे थ्री लाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप उस कीबोर्ड को कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे कॉपी हो चुका है एंड कीबोर्ड कॉपी करने के बाद उसके बाद क्लोज करके अपना फोटो का टाइटल एंड टैग लगानी है। वो कीबोर्ड दिख रहा होगा, वो कीबोर्ड आपको लगा सकते हो जो कीबोर्ड आप कॉपी किया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल लगा लेते हैं अपना फोटो की। तो यहाँ पे अपना फोटो का रिलेटेड इस तरीके से अपना टाइटल डाल देनी है। तो यहाँ पे अपना फोटो का रिलेटेड टाइटल डालने का यहाँ पे अपना फोटो का कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। तो जो अपना फोटो का कैटेगरी है यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट और दूसरा हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे हम पीपल सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे आ जाती है अपना कीबोर्ड डालने की। तो जो कीबोर्ड आप कॉपी किया है वो कीबोर्ड आप यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। एंड यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे वो कीबोर्ड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे वो कीबोर्ड आ चुका है। तो यहाँ पे अपना फोटो का सारा कुछ हो चुका है, कीबोर्ड भी डाल चुका है। अब बारी है सबमिट करने की। तो यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे सबमिट कर लेंगे। तो नीचे पे सबमिट वाला ऑप्शन दिख जाएगा। जैसे आप सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे ये फोटो जो कि रिव्यू में जाएगा। तो ये फोटो रिव्यू में आ चुका है। यहाँ पे रिव्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा बहुत सारा फोटो रिव्यू पे जो कि है, उसके साथ साथ ये भी फोटो रिव्यू पे आ चुका है। रिव्यू होने के बाद अपना फोटो जो कि अप्रूव हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हो अगर आप फोटो अपलोड किया है तो कौन सा फोटो आपका अप्रूव हुआ है, कौन सा फोटो आपका अप्रूव नहीं हुआ है, वो लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जैसे कि फर्स्ट फोटो मेरा अप्रूव हो चुका है, दूसरा फोटो अप्रूव नहीं हुआ है, तीसरा फोटो अप्रूव हुआ है, चौथा फोटो अप्रूव भी हो चुका है। क्योंकि मैंने फोटो को शार्पनेस किया है और नॉइस को रिड्यूस किया है, इसलिए फोटो जो कि अप्रूव हुआ है। तो यहाँ पे आपको कुछ ही फोटो दिखेंगे जो कि यहाँ पे फोटो अप्रूव नहीं हुआ है। तो पहले दोस्तों क्या होता था, किस वजह से फोटो अप्रूव नहीं हुआ है वो यहाँ पे फोटो अप्रूव अगर नहीं होता यहाँ पे रीजन देता था। लेकिन आप दोस्तों चेंज हो चुका है, आप रीजन भी नहीं दे रहा है, क्योंकि आप अपना फोटो पे ऑप्शन दे रहा है डाटा लाइसेंसिंग की, कि डाटा लाइसेंसिंग से भी आप पैसा कमा सकते हो अगर आपका फोटो अप्रूव नहीं हो रहा है तो। तो आई होप आप सारा डिटेल समझ चुके होंगे शटरस्टॉक पे फोटो को अपलोड करने के लिए किस तरीके से आप फोटो अपलोड करेंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना। अगर आप शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर अकाउंट ओपनिंग करना चाहते हो, फोटो अपलोड करके पैसा कमाना चाहते हो, तो शटरस्टॉक ओपनिंग का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्लिक करके आप शटरस्टॉक पे अकाउंट ओपनिंग कर सकते हो और फोटो अपलोड करके आप पैसा कमा सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पर कुछ नया टॉपिक लेके। तब तक के लिए बाय।